पूरी दुनिया की नजर कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन पर टिकी है। पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा वैक्सीन पर अब काम चल रहा है, लेकिन यहां 11 ऐसी वैक्सीन की हम बात करेंगे जिससे दुनिया सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठी है। इसमें से कई बहुत हद तक कामयाब भी हो रही है। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। अगर नहीं समझे हैं तो ठीक से बात समझ लीजिए कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय संयम। दो गज की दूरी भी बेहद जरूरी है, मास्क तो किसी कवच से कम नहीं, क्योंकि अभी वैक्सीन तैयार नहीं है। वैज्ञानिक दिन रात वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। दवा और वैक्सीन आने तक खुद को बचा कर रखना ही एकमात्र उपाय है। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के रिसर्चर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दुनिया में कम से कम 137 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें से 48 वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है और कम से कम 89 वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर। कुछ प्रमुख वैक्सीन की बात करें तो अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में है और कहा जा रहा है कि ये 2021 की शुरुआत में आ सकती है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजों के बाद दावा किया था कि वैक्सीन 95% तक कामयाब है। जर्मनी की बायोएनटेक, फोसन फार्मा और फाइजर की वैक्सीन का ट्रायल एक साथ दूसरे और तीसरे चरण में है। दवा कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन के 90% लोगों पर कामयाब होने की जानकारी दी है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने करीब 30,000 लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया है, वहीं फाइजर ने करीब 43,000 लोगों पर इस वैक्सीन को टेस्ट किया है। ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मिलकर एक वैक्सीन को विकसित कर रहे हैं। भारत में इस वक्त 5 अलग अलग जगहों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें से 2 तीसरे और एडवांस स्टेज में है। भारत की जाइडस कैडिला की वैक्सीन फेज 2 में है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल फेज 3 में है। If you see, close to about 5 vaccines are being tested in the Indian soil. And very soon we'll be finished with the third phase of the vaccine, and the results will be out. The phase 3 of the trial is basically on safety and efficacy. Once that has been done, then the manufacturing starts with this. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बायोटेक के कोवैक्सीन का टीका भी लगवाया। पीजीआई रोहतक और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम की देखरेख में सिविल अस्पताल अंबाला में वैक्सीन लगाई गई। ये वैक्सीन भारत बायोटेक का प्रोडक्ट है। देखिए, हिंदुस्तान के लिए ये बहुत गर्व का मोमेंट है कि हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक ने आज सारा विश्व जिस कोरोना बीमारी से ग्रसित है उसके लिए वैक्सीन का निर्माण किया है। इसके 2 पहले सफल जो परीक्षण है वो हो चुके हैं और तीसरा और अंतिम परीक्षण आज शुरू होने जा रहा है। लगभग 25,800 लोगों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लोग हिचकिचाए ना, लोग खुलकर आगे आए, इसलिए सबसे पहले मैंने अपने आप को ऑफर किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि 2021 के शुरुआती 2-3 महीनों में वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, ये डेट देना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैक्सीन के रिसर्च के मामले में भारत के वैज्ञानिक जो है दुनिया के वैज्ञानिकों की तरह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे उसके जो कामयाबी के रिजल्ट्स आएंगे तो देश के सामने उनको प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से अगले साल के अंदर वैक्सीन आएगा और
अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आएगा। चीन के कैंसिनो बायो की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में है। इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। इसी तरह रूस के स्पुतनिक वी का ट्रायल फेज 3 में है और इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल एक साथ चल रहे हैं। इस वैक्सीन से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि ये समझना और कहना अभी बेहद मुश्किल है कि कौन सी वैक्सीन सबसे बेहतरीन नतीजा देगी। एक तो वैक्सीन का आना ही सबसे बड़ी चुनौती है और अगर आ भी गई तो पूरी आबादी के लिए एक साथ इसे मुहैया करवाना लगभग असंभव है। ऐसे में माना जा रहा है कि बुजुर्ग और स्वास्थ्य कर्मी सरकार की पहली प्राथमिकता होंगे। आज तक ब्यूरो।